तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर फॉर इन्वेस्टर, ये जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका चैप्टर टू आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेजोरिटी जो भी कंटेंट है वो मेनली बुक से ही हमने रेफर किया हुआ है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। लेट्स लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री ऑफ S&P 500, मतलब जेरेमी सीगल जो है, जो ऑथर है इस बुक के, उन्होंने S&P 500 का एक हिस्ट्री प्रॉपर दिया हुआ है यहाँ पे, जिसके अंदर मतलब जब से S&P 500 स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक का पूरा हिस्ट्री, आई मीन अभी तक मतलब 2003, मतलब जब ये बुक का रिसर्च जेरेमी सीगल ने किया था उस टाइम तक की बात है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हम देखेंगे। ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो पढ़ने के बाद मुझे भी जितने भी मेरे डाउट्स वगैरह थे, मिथ्स थे, ठीक है, तो वो भी मेरे बहुत सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हुए, तो आई होप कि मैं भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो S&P 500, ये जो इंडेक्स है, ये US बेसिक स्टैंडर्ड एंड पुअर करके जो कंपनी है उन्होंने डिजाइन किया हुआ है, और उसमें जनरली 500 अराउंड स्टॉक इसमें रहते हैं। तो ये जो इंडेक्स है S&P 500, वो इनिशियली स्टार्ट हुआ था 1st of March 1957 में। तो ये ऑलमोस्ट 6 to 7 decades पुराना इंडेक्स है, जो और जब आई थिंक वहां पे टू एज ऑफ करंट फिगर्स 2 or 3 trillion US dollar जितना उसमें फंड का इनफ्लो आता है। ठीक है, मतलब अभी आई थिंक AUM उतना है। तो लेट्स सी कि उसमें मेजर पॉइंट्स क्या क्या थे जो जेरेमी सीगल जी ने अभी तक इसमें रिसर्च वगैरह किया, और उनके क्या क्या फाइंडिंग्स रहे। तो इनिशियली जब ये S&P 500 इंडेक्स बना, तो उसमें अब उसमें 425 जो कंपनी थी वो इंडस्ट्रियल कंपनी थी, 25 रेलरोड कंपनीज थी, और 50 यूटिलिटीज कंपनी थी, मतलब एनर्जी वगैरह। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल में जनरली ऑयल एंड गैस, तो उस टाइप के स्टॉक्स वगैरह कंपनीज वगैरह जो थी वो उसमें इंक्लूडेड थी। और हमें भी बताया कि 1925 मतलब ऐसा टाइम था कि जहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व नहीं हुई थी। तो अभी जैसे जैसे S&P 500, सॉरी S&P 500 जैसे जैसे अभी बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से उसमें नई कंपनीज भी ऐड होती गई। तो जो जेरेमी सीगल जी ने इसमें लिखा हुआ है कि अराउंड 900 कंपनीज जो है वो इसमें ऐड हुई थी, मतलब फ्रॉम 1957 टू 2003। तो और मतलब 900 कंपनीज ऐड हुई है, तो पुरानी कंपनीज जो है वो जो क्राइटेरिया में बैठती नहीं है S&P के, तो वो उसको रिमूव करके 900 कंपनीज इसमें ऐड हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो जेरेमी सीगल जी ने क्या किया, इसमें तीन पोर्टफोलियो बनाए, मतलब ये रिसर्च जो है वो अराउंड 2003 2004 में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो उसमें जेरेमी सिगल जी ने क्या किया कि उन्होंने थ्री पोर्टफोलियो बनाए। ठीक है, मतलब अपना रिसर्च कंडक्ट करने के लिए उसमें तीन पोर्टफोलियो के नाम ऐसे थे, सर्वाइवर्स, डायरेक्ट डिसेंडेंट्स एंड टोटल डिसेंडेंट्स। और ये जो रिसर्च का पीरियड है वो अगेन 1957 टू 2003 तक का है। तो ये यहाँ पे हमें आराम आराम से समझना है कि तीनों पोर्टफोलियो क्या चीज के थे, और उसकी इसके ऊपर ही फ्यूचर मतलब उन्होंने जो भी रिसर्च हम डिस्कस करेंगे उसके जो इम्प्लीकेशन है वो इसके ऊपर है। तो ये अब थोड़ा आराम से ध्यान से समझना। तो सबसे पहले है सर्वाइवर्स पोर्टफोलियो। तो इसमें क्या था कि इनिशियली जो S&P 500 की कंपनीज थी, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी कि जहां पे कोई कंपनी किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो गई, या तो वो जो कंपनीज थी वो प्राइवेट हो गई, मतलब पब्लिक से प्राइवेट हो गई। तो इस केस में सर्वाइवर्स वाले जो पोर्टफोलियो में जेरेमी सीगल जी ने क्या किया है कि जितनी भी कंपनीज या मर्ज हो गई है, या तो किसी या तो मर्ज हो गई है, या तो पब्लिक हो, सॉरी पब्लिक से प्राइवेट हो गई, तो इन केस में जब भी वो शेयर्स जो है उन्होंने जब भी वो शेयर्स को सेल किया, तो वहां से जो भी हमें पैसा मिला है जेरेमी सीगल जी को, ठीक है, तो उन्होंने वो पैसे को जो बाकी की जो S&P 500 की कंपनीज थी उसमें उन्होंने इक्वली इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 1957 टू 2003 ये उन्होंने काम किया। फिर दूसरा है डायरेक्ट डिसेंडेंट, मतलब डायरेक्ट डिसेंडेंट में जेरेमी सीगल जी ने ये किया कि जितने भी मर्जर के एक्विजिशन हुए हैं, या तो फिर कोई स्पिन ऑफ हुआ है, तो जितने भी स्पिन ऑफ या ऐसा कुछ भी हुआ है, तो वहां पे जो भी नए शेयर्स नई कंपनी के मिले हैं, जो भी स्पिन ऑफ हुआ उस कंपनी के जितने भी शेयर्स मिले हैं उसको इमीडिएटली सोल्ड करके जो भी पेरेंट कंपनी थी वहां पे उनको इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये है दूसरा पोर्टफोलियो। फिर तीसरा पोर्टफोलियो कैसा था कि ये जिसको हम बोलते हैं ना वो परमानेंट बाय एंड होल्ड, बाय एंड फॉरगेट वाला पोर्टफोलियो था, कि जहां पे कुछ भी होता है, मतलब मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, स्पिन ऑफ होता है, कुछ भी होता है, उसमें कुछ भी टच नहीं किया गया है। मतलब जैसे S&P 500 की इनिशियल कंपनीज थी वहां पे ना ही किसी कंपनी को ऐड किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है। ठीक है, अगर स्पिन ऑफ हुआ है तो उसको होल्ड किया गया है, मतलब यहाँ पे उस स्पिन ऑफ को ना ही सेल किया गया है, ना ही कुछ बाय किया गया है एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये तीसरा पोर्टफोलियो जो है कि जो परमानेंट, जिसको हम बोल सकते हैं कि बाय एंड होल्ड, मतलब 1957 टू 2003 तक इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या रिटर्न मिला, तो हमें तीन अलग अलग पोर्टफोलियो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसके बेसिस पे जब जेरेमी सिगल जी ने जब इसमें देखा, तो उसमें कौन कौन से तीन मतलब तीन आपको दिखेंगे डिफरेंट रिटर्न्स। ठीक है, तो सर्वाइवर्स वाला जो पोर्टफोलियो था वहां पे मिल रहा था 11.31%, डायरेक्ट डिसेंडेंट है वहां पे 11.35%,
और फाइनली टोटल डिसेंडेंट, मतलब जहाँ पे आप यू नो बाय एंड फॉरगेट वाला सिनारियो था, तो वहां पे उनको मिला है 11.40%। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिटर्न, अगर भले ही वो कंपेरेटिवली हमें छोटा लग रहा है, बट वेन वी टॉक अबाउट लॉन्गर टाइम फ्रेम, ठीक है, तो वहां पे ये इवन पॉइंट परसेंटेज मैटर, पॉइंट जितना भी हो वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो 11.31 के कंपेरिजन में 11.40 है वो हमेशा ज्यादा ही है, और जब हम उसको लॉन्गर टाइम फ्रेम में लेते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी बाय एंड होल्ड वाला जो था और जितने भी ओरिजिनल कंपनीज थी, ठीक है, उन्होंने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो इसके पीछे के रीजन क्या है, तो वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसा क्यों हुआ कि भाई टोटल डिसेंडेंट वाला जो है वो उसने हायर रिटर्न दिया। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि जब हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है, कोई भी ना ही बाय ना ही सेल, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, तो सबसे पहले हमें टैक्स का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब देखते हैं, ठीक है, तो अगर आप स्पिन ऑफ, अगर आपको जो भी एक्स्ट्रा शेयर मिले हैं जब भी किसी कंपनी ने स्पिन ऑफ या डीमर्जर किया, ठीक है, तो वहां पे आप जब उसको सेल नहीं करते हो तो आपका जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, हमें लगता है कि हम ट्रेड बहुत नहीं कर रहे हैं, हमारा ट्रेडिंग कॉस्ट कंट्रोल में है, बट जब आप ज्यादा ट्रेडिंग करने लगते हो तो उस कॉस्टिंग का भी आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट होने लगता है। ठीक है, तो ये मेन चीज है, मतलब ट्रेडिंग कॉस्ट जो था वो मिनिमम था, और फाइनली जितने भी कोई भी अगर शेयर या तो मिले हैं यू नो इन द फॉर्म ऑफ स्पिन ऑफ से कुछ भी, तो वहां पे हमें कोई भी कैपिटल आई मीन कैपिटल गेन टैक्स लगा ही नहीं, क्योंकि हमने वो शेयर जो थे वो बेचे ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेजर रीजन था, मतलब अगर टैक्स और ब्रोकिंग ब्रोकिंग के जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं, चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो ये सारी चीजें जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें ओवरऑल एक अच्छा रिटर्न मिलता है जब यू नो हम टोटल डिसेंडेंट वाले पोर्टफोलियो को देते हैं। तो फिर ये भी एक चीज सामने आया था कि S&P 500 जो है, जैसे हमने देखा कि जैसे जैसे इंडेक्स में, हमारे यहाँ निफ्टी में भी ऐसा होता है कि जहाँ पे यू नो एवरी ईयर कुछ नई कंपनीज आती है जो ओल्ड कंपनीज को रिप्लेस करती है, तो ये जिसको हम रीबैलेंसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा उस टाइम से भी हो रहा है, S&P 500 में भी बहुत टाइम से हो रहा है और अभी भी हो रहा है। ठीक है, तो बट जेरेमी सिगल ने जब ये यू नो परफॉर्मेंस का जब वो चेक कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि S&P 500 की जो ओरिजिनल कंपनीज थी, ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि वहां पे इंडस्ट्रियल, रेलरोड, यूटिलिटी, मतलब ये तीन ब्रॉड सेक्टर्स से कंपनीज थी, तो अगर उसी कंपनीज को अगर S&P 500 ने होल्ड किया होता अभी तक, ठीक है, तो उसका जो रिटर्न था, जो उसका जो रिटर्न बना होगा S&P 500 का, वो बेटर था कंपेयर टू कि जब यू नो S&P 500 उसमें कॉन्स्टेंटली नई कंपनीज ऐड करती जा रही थी और नई जो पुरानी कंपनीज थी उसको वो लोग रिमूव करते जा रहे थे। ठीक है, तो इसका मेन रीजन क्या है, तो वो भी हम देखेंगे। सबसे अगर मेन रीजन जेरेमी सिगल जी को मिला है तो वो है हाई वैल्यूएशन। मतलब जनरली ये हुआ, एक थॉट प्रोसेस भी बिल्डअप होता जा रहा था S&P 500 के जो फंड मैनेजर्स वगैरह थे, कि वहां पे वो लोग जितने भी यू नो नई कंपनीज, ग्रोथ कंपनीज, हॉट सेक्टर्स, उनको चेस कर रहे थे। मतलब कोई अगर उसका यू नो न्यू कंपनीज का जो क्राइटेरिया, आई मीन S&P 500 का जो क्राइटेरिया था, अगर उसमें वो न्यू कंपनीज अगर फिट बैठ रही है तो S&P 500 ने उसको इंक्लूड किया है। ठीक है, बट जनरली ये हुआ कि जितने भी नई कंपनीज S&P 500 में इंक्लूड होती गई, वह हर जगह पे ये जो वैल्यूएशन था वो कंपेरेटिवली ऑन द हायर साइड था, क्योंकि सबको पता था कि ये हाई ग्रोथ कंपनी, ठीक है, तो बहुत सारे आई मीन बहुत सारे तो नहीं बट मेजोरिटी मेजोरिटी जो थे वो उसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे, और उसकी वजह से हुआ ये कि जो यू नो जो उसका वैल्यूएशन होना चाहिए उस कंपनी का, उस स्टॉक का, वो एक लेवल से ज्यादा था, और उसकी वजह से उनका जो इन्वेस्टर का जो रिटर्न था वो कम कम होने लगा। ठीक है, तो ये मेजर रीजन था कि जहां पे जितने भी S&P 500 में न्यू कंपनीज आई, ठीक है, और जो पुरानी कंपनीज को वो लोग रिप्लेस करते गए, उसकी वजह से जो S&P 500 का ओवरऑल जो रिटर्न था, मतलब कंपेयर टू न्यू S&P 500 जहाँ पे नई कंपनीज है, और कंपेयर टू ओल्ड, मतलब जहाँ पे कोई भी S&P 500 की कंपनीज में कोई भी चेंजेस नहीं थे। ठीक है, तो ये उसकी वजह से हुआ ये कि जो नया, मतलब जो चेंज चेंज वाला जो S&P 500 था, वहां पे उनको एक यू नो अंडर परफॉर्मेंस मिला है। ठीक है, या फिर ये भी एक एग्जाम्पल बहुत ही सही जेरेमी सिगल जी ने एक्सप्लेन किया हुआ इसमें, कि याहू का स्टॉक भी एक टाइम पे S&P 500 में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, बट उस टाइम पे मतलब जब याहू का स्टॉक S&P 500 में इंक्लूड हुआ, तो उस टाइम पे याहू का जो पीई था, मतलब प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो था, वो मोर देन 500 था। आप सोचो कि जब कोई स्टॉक जो 500 से भी ज्यादा के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, जब आप ऐसे स्टॉक को S&P 500 में इंक्लूड करते हो या किसी भी इंडेक्स में इंक्लूड करते हो, तो उसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही हाई हो जाता है, और उसकी वजह से जो ओवरऑल रिटर्न जो एक इंडेक्स इन्वेस्टर ने जो S&P 500 में ट्रस्ट करके डाला हुआ है, उनका रिटर्न भी कम ही होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि 500 का मल्टीपल किसी भी कंपनी के लिए सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ये हमें ध्यान रखना है। अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी करते हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स, आप जिस भी इंडेक्स में, जिस भी इंडेक्स को फॉलो कर रहे हो, जिस भी इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उनकी कंपनीज का वैल्यूएशन क्या है। ठीक है, क्योंकि वो वैल्यूएशन ही आपके आपका ओवरऑल रिटर्न जो है वो प्रेडिक्ट करेगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना है। और ये जब याहू का ये जब मोर देन 500 वाला जो पी मल्टीपल था, तो वो ऐसा टाइम था जब हम सबको पता है कि वो 2000 में जब यू नो इंटरनेट या टेक्नोलॉजी का जो बबल हुआ था, यूफोरिया हुआ था, उस टाइम का ये सिनारियो। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना है।
ठीक है, फिर एक एक मेजर प्रॉब्लम विथ इंडेक्स इन्वेस्टिंग जो जेरेमी सिगल जी ने इस बुक के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और वो हमारे यहाँ के जो निफ्टी या सेंसेक्स है जिसमें वो लोग ETF है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, इंडेक्स इन्वेस्टिंग के, तो वहां पे भी ये एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ S&P 500 या US बेस्ड जो स्टॉक्स है या इंडेक्स है उनके लिए ही एप्लीकेबल है, ये यूनिवर्सल एक फाइंडिंग है। ठीक है, तो फाइंडिंग क्या है, मेजर प्रॉब्लम क्या है जब भी आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हो? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें भी पता है, आप भी नोटिस कर सकते हो ये चीज, कि जब भी किसी स्टॉक को निफ्टी में या सेंसेक्स का जो इंडेक्स है, ठीक है, जो इंडेक्स हम इंडिया में फॉलो करते हैं, तो जब भी किसी स्टॉक को हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग में, सॉरी, जैसे जब भी किसी स्टॉक को हम निफ्टी में इंक्लूड करने की, लेट्स से एक रूमर भी जब आता है मार्केट में, तो इमीडिएटली वहां पे होता क्या है कि उस स्टॉक का जो प्राइस है वो अपवर्ड मूवमेंट में हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हो कभी भी, चाहे वो, आई थिंक रिसेंटली हमने देखा था कि टाटा पावर जो है वो इंडेक्स में इन्वेस्ट हो सकता है Nifty 50 में, ठीक है, तो यहाँ पे भी जब भी वो न्यूज आई थी तब भी हमने टाटा पावर में एक अपवर्ड मूव देखा था। ठीक है, तो ये चीज, इससे होता क्या है कि जब भी, मतलब जब भी ये किसी भी स्टॉक को इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का प्लान होता है, तो इनिशियली ही उसका ही जो प्राइस है वो ऑलरेडी मूव हो जाता है, और बाय द टाइम जो इनफ्लो आता है, ठीक है, स्टॉक के अंदर, तो उस टाइम पे भी जो स्टॉक का प्राइस है वो ऑलरेडी अप हो जाएगा। तो इसकी वजह से फाइनली जो इंडेक्स इन्वेस्टर है, ठीक है, उनका रिटर्न जो है वो इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है, वो कम हो जाता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ये सबसे बड़ा आई थिंक ड्रॉबैक है अगर इंडेक्स इन्वेस्टिंग को हम कंसिडर करते हैं तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें Chapter 2 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, द फ्यूचर फॉर इन्वेस्टर, ये बुक में। तो अगर आपको बस आपको अगर टाइम मिलता है तो आपको ये पढ़नी चाहिए, बट ये जो अभी हमने डिस्कस किया लास्ट 10-12 मिनट्स में, तो यही उसका मेजर क्रक्स है। तो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना कंटेंट को। थैंक यू।